सो हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आज के नए फ्रेश व्लॉग में। सो जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर की तरफ और मेरे साथ आज जुड़ने वाले शिवेंद्र और कुणाल। तो अभी टाइम हो चुका है, 9 बजने को ऑलमोस्ट आ चुका है। तो हम लोग यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर है महाबलेश्वर, तो चलिए चलते। पहले तो मैं मिलता हूँ अपने दोस्त लोगों से, और कुणाल और शिवेंद्र मुझे मिलने वाले अंधेरी, उसके बाद हम लोग साथ में चलने वाले। अरे रे ये गाइस, ये देखिए यहाँ पे टेम्पो गोरेगांव के हाईवे पे उल्टी हो चुकी है, तो बारिश में आप लोग अपना गाड़ियाँ बहुत ध्यान से चलाएं, देखिए ताकि ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आए। तो टू व्हीलर को ही नहीं, फोर व्हीलर को भी बहुत संभाल के चलना पड़ता है हाईवे पे। एक और चीज़ मैं बता दूँ, मेरा फॉग लाइट का जो बटन है वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या है इसका। होप दुकान वाला वहाँ पे हो, 9:30 बजे के आसपास दुकान बंद हो जाए, लेकिन चलिए चलकर देखते हैं। सो गाइस, पंगा हो चुका है, मैकेनिक जो है वो चला गया है, लेकिन ये दुकान वाले भाई बहुत अच्छे हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने WD-40 ये सब मार के देख लिया, लेकिन उससे भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन भाई से देखिए स्टोर वाले जितना हो सके वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी हुआ तो ठीक है, कुणाल और शिवेंद्र मेरा वेट कर रहे हैं। चलो उधर चल के फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी अंधेरी हाईवे के पेट्रोल पम्प में, तो पेट्रोल मैंने भरा लिया है और कुणाल और शिवेंद्र मुझे मिल चुके हैं। बोलो कैसी तैयारी है? अभी रात को 12 बज चुके हैं, ठीक है, बारिश ज़बरदस्त हो रही है, बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा रास्ते में, ठीक है, चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ से हम लोग को जाना है, 10:30 बज चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से अनान जाना है हमें, यहाँ से 240 किलोमीटर। ये देखो बैग एडजस्ट कर रहे हैं, मैं तो अपना मस्त आके आया, अपने पास कुछ नहीं है, अपन फ्री बिंदास एकदम चला सकते हैं, लेकिन वो लोग सेटिंग कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, इससे पहले और ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ बढ़ जाए। तो गाइस देखो, फॉग लाइट की हालत यहाँ पे ही बंद चालू हो रहा है, बंद चालू होते ही जा रहा है, पता नहीं यहाँ पे सिचुएशन है, तो आगे जब इसकी सच में ज़रूरत पड़ेगी तो आगे पता नहीं ये कैसा काम करेगा। चलिए अभी जैसा होता है वैसा जल्दी जल्दी चलते, बाकी शिवेंद्र भाई की लाइट का हेल्प थोड़ा ले लेंगे हम लोग। इस राइड पर सबसे ज़्यादा मुझे ये फॉग लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है, देखते हैं अब कैसा रहता है। दुकान वाले भाई ने तो मेरी बहुत हेल्प की, जितना हो सके उसने करके दिया कि ये लाइट चालू हो रहा है, इसके पहले ये लाइट चालू भी नहीं हो रहा था। अब देखते फिंगर क्रॉस, देखते कहाँ तक पहुँच सकता हूँ मैं इस लाइट के सहारे। तो अब हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ चुके हैं, कुणाल पूरे मज़े लेते हुए आराम से मज़े ले रहा है विंडशीटर खुला रख के। एक्चुअली उसका बैग जो है देखिए बाहर आ रहा है, या तो विंडशीटर बचेगा या तो बैग बचेगा, तो खुद थोड़ा भीग रहा है और एडजस्ट करके बैठा हुआ है। देखते हैं अभी, एक तूफान वाला बारिश आ रहा है, आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त बारिश आ रहा है भाई। तो देखते हैं, चलिए जल्दी 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 पहुँचते हैं। तो गाइस, चाय पीने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे, तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिया, ये ग्लव्स सस्ता जुगाड़ है बारिश से बचने के लिए। वाटर रेजिस्टेंस ग्लव्स आते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह हम लोग को पानी से बचाते नहीं है, जबकि ये ग्लव्स बहुत अच्छी तरह हम लोग को बचा लेते हैं। देखिए ये जो ग्रिप है वो बहुत ही हार्ड है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है बारिश के टाइम स्पेशली पहनने के लिए, जो कि ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, तो मैं पहनता हूँ। अच्छा सस्ता जुगाड़ हार्डवेयर की दुकान से ख़रीदो, मिल जाएगा आप लोगों को भी। तो गाइस, फॉग लाइट ने दे दिया धोखा है, देखो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, आप लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं देता होगा, पता नहीं यार, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ये लाइट बंद कर दिया तो और भी नहीं दिख रहा है, ये देखो ये बाइक का ओरिजिनल लाइट है मेरा। चलिए देखते कहाँ तक चल पाता है ये। ये देखिए फॉग लाइट चालू हो चुका है, लेकिन गूगल के भरोसे पता नहीं शिवेंद्र भाई हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो भाई, ज़रा देखो मैप अच्छे से चेक करो और बताओ हमें जल्दी जल्दी। अरे रे ये इधर लेकिन रास्ता ही नहीं है, और गूगल मैप देखिए इनको गलत रास्ता दिखा रहा है। चलो अभी मुझे लगता है यूटर्न मारने का टाइम आ गया, चलो यूटर्न मारते फिर मिलते हैं। सो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पे रुके हुए, ये रही हमारी बाइक्स, ये जगह है और अभी ट्रेन आने वाली है। ये देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं बताओ। एक्चुअली क्या, गूगल मैप में हम लोग को 10 किलोमीटर अंदर लेके चला गया, ठीक है, ये यहाँ पर आए, तो अभी हम लोग वापस रिटर्न आए, और ये फाटक मुझे ट्रेन की फाटक दी गई, ट्रेन आने वाली है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेके यहाँ से करीब करीब 120 किलोमीटर अभी भी महाबलेश्वर दिखा रहा है, करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता। हाँ तो आधे घंटे का हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं, ठीक है, उस तरफ से हम 100 किलोमीटर नॉर्मल स्टॉप करते हैं। बाइक चला चला के थक गया हूँ गाइस।
अरे देखो ये तो बंद हो गया है, ये देखो मैंने जुगाड़ कर दिया है, ये लगाना तो मैंने देख लिया था जुगाड़ करके, लेकिन निकालना नहीं देखा था, तो पता नहीं अभी क्या करते, चलिए देखते। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और अभी और 60 किलोमीटर दूर है हम लोग, सुबह हो गई, रात को 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग निकले हुए थे, लेकिन अभी बज चुके हैं सुबह के 6, जैसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे व्यू था, तो थोड़ी देर के लिए हमने सोचा हम लोग रुक जाते। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं आप, तो चलिए इस मौसम का आनंद उठाते हुए चलते आगे तरफ। गाइस गोप्रो काम नहीं कर रहा है, इसका हैंग हो चुका है, वो बैटरी का जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से, लेकिन हम लोग देखिए कितना बढ़िया लोकेशन पे आप यहाँ है। तो अभी महाबलेश्वर के अंदर तो हम लोग घुस चुके हैं और इधर से आराम 30 किलोमीटर से जहाँ हम लोग का होटल है, तो वहाँ पे चलते हैं और इंजॉय कीजिए ये सीनरी। सुकून अगर कहीं है तो यही है गाइस, मैं बता रहा हूँ इतना बढ़िया रास्ता, इतना मज़ा आ रहा है ये नज़ारों को देखते देखते चलाने का। तो गाइस शिवेंद्र भाई ने अंकल को बिठा दिया, वो शायद गांव के, उनको ऊपर तरफ जाना है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं शिवेंद्र भाई। चलिए चलते यहाँ पे, दूर दूर तक कार बाइक कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल, तो हम ही और कोई है ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो गाइस नीचे तरफ हम लोग जहाँ से आए वहाँ पे लिखा हुआ था कि कार अलाउड नहीं है, तो हम लोग को लगा बाइक भी अलाउड नहीं है, फिर गांव के कुछ लोग आए बाजू में, उन्होंने बताया करके बाइक से आप लोग ऊपर जा सकते हैं, तो ऊपर आए तो भाई साहब जैसे आप देख रहे हैं ये सब खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, देखिए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यही देखते देखते आनंद लेते लेते जा रहे हैं ऊपर तरफ। अरे बारिश आ रहा है, चलो कैमरा बंद कर दे।